हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आदित्य है और आज हम देखेंगे कि एक्सेल में इस तरह से एक सेल को दो सेल में डिवाइड करके हम टेक्स्ट कैसे इंटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक डेटा है जिसमें अप्रैल टू दिसंबर सेल्स लिखा हुआ है और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक हर ब्रांच का सेल्स लिखा हुआ है। तो मैं इस सेल को डिवाइड करके उसमें स्टेट और मंथ लिखना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा होम टैग के ऊपर, उस पर बॉर्डर, उसमें मोर बॉर्डर, इसमें मैं जाऊंगा बॉर्डर के ऊपर। यहाँ पे देखिए बॉर्डर के स्टाइल लिखे हुए हैं और यहाँ पे कलर चूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ करता हूँ। और यहाँ पर देखिए आप किस तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं, उसका प्रीव्यू दिया हुआ है। तो मैं ये थिक बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा ये प्रीव्यू मुझे दिखाई देगा। देखिए मैं ये बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ और प्रीव्यू देखता हूँ। देखिए इस तरह प्रीव्यू दिख रहा है। मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर हमारा सेल स्प्लिट हो चुका है। या फिर हमारे पास एक शॉर्टकट है Ctrl+1। जैसे आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप बॉर्डर को सिलेक्ट कीजिए। मैं कलर चूज़ करता हूँ और प्रीव्यू देखेंगे। देखिए और ओके, यहाँ पर हमारा सेल डिवाइड हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं अभी इस पर टेक्स्ट इंटर करना, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे मंथ और अल्ट इंटर करके यहाँ पर टाइप करेंगे स्टेट और सिंपली बाजू में क्लिक करेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर मंथ और स्टेट आ चुके हैं लेकिन हम जैसे चाहते वैसे नहीं आ चुके, तो हमें ये मैन्युअली करना पड़ेगा। हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, मंथ के आगे डबल क्लिक करेंगे और स्पेस प्रेस करके इसको मैन्युअली एडजस्ट करके लेंगे। देखिए अभी ये हम जैसे चाहते हैं वैसे एडजस्ट हो चुका है। इस तरह दोस्तों आप एक्सेल के अंदर अपने सेल को डिवाइड करके अपने डेटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।